के चेयरमैन पद का ताज भाजपा उम्मीदवार कृष्ण लाल लांबा के सिर पर सजा। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृष्ण लाल लांबा 6,481 वोटों के अंतर से जीते हैं। उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी पवन कुमारी शर्मा को हराया है। इसके साथ ही कुल 31 वार्डों में से 18 वार्डों में भाजपा के पार्षदों की जीत हुई है। जीत के बाद कालका से चेयरमैन पद से विजेता कृष्ण लाल लांबा ने पूर्व विधायक लतिका शर्मा सहित सैकड़ों भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ विजय रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने सभी पिंजौर कालका क्षेत्रवासियों का जगह जगह रुककर धन्यवाद किया। वहीं कृष्ण लाल लांबा ने कहा कि यह जीत सभी क्षेत्रवासियों की जीत है और कहा कि प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, भाजपा संगठन व पूर्व विधायक लतिका शर्मा के कड़े प्रयासों से ही हम यह जीत हासिल कर पाए हैं, जिसके लिए मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और मेरी यह जीत पिंजौर कालका परिषद के लोगों को समर्पित है। लांबा ने कहा कि हम नगर परिषद पिंजौर कालका में इतने विकास कार्य करवाएंगे कि आने वाले 2024 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को वोट मांगने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, हमारे विकास कार्य खुद बोलेंगे। पूर्व विधायक लतिका शर्मा ने कहा कि हम क्षेत्र में विकास कार्य करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और वैसे भी जो भी विकास कार्य पिंजौर कालका क्षेत्र में हुए हैं वे भाजपा द्वारा ही करवाए गए हैं और आगे भी हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में बढ़ चढ़कर क्षेत्र में कार्य करवाएंगे और क्षेत्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। वहीं वीरवार को चेयरमैन पद के विजेता कृष्ण लाल लांबा ने पिंजौर में कई जगहों पर धन्यवाद रैली निकालते हुए लोगों का आभार व्यक्त किया। जगह जगह लोगों ने कृष्ण लाल लांबा के गले में फूल मालाएं व नोटों के हार डालते हुए उनका स्वागत किया। इस दौरान आंचल विहार लोगढ़ में भाजपा नेता भुवनेश्वर वैश ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कृष्ण लाल लांबा व पूर्व विधायक लतिका शर्मा को जीत की बधाई दी और उनका मुंह मीठा करवाया और कहा कि भाजपा की जीत को लेकर कालका पिंजौर की जनता में खुशी का माहौल है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो जीत है ये हमारे क्षेत्रवासियों की अपनी जीत है। उन्होंने मुझे बहुत ही उत्साह दिया, बहुत हौसला दिया
और ये भारतीय जनता पार्टी की संगठन की और हमारी बहन लतिका शर्मा के प्रयासों से ही ये जीत हुई है। मैं बहन जी का बहुत ज्यादा धन्यवाद करता हूँ। तो प्राथमिकता क्या रहेगी, क्योंकि जनता ने विश्वास किया आपको चुनाव? प्राथमिकता ये रहेगी कि हम दो अब जो चुनाव हमारे MLA के होंगे, हम इतना काम करेंगे कि हमें उसमें वोट ही न मांगनी पड़े, इतने काम करेंगे हम। विकासों के विकास करेंगे, विकास के काम करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। जीत का श्रेय सबसे पहले हमारी बहन पार्टी को, BJP पार्टी संगठन और बहन लतिका को और मुख्यमंत्री मनोहर को और हमारे इलाका निवासियों को, क्षेत्रवासियों को, सबको जीत का श्रेय देते हैं। आज कालका में जो जीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, संगठन की जीत हुई है और लोगों के जो विश्वास की जीत हुई है। सभी भाई और बहनों ने, कालका वासियों ने भरसक हमारे को जीत दी है, विश्वास दिया है कि कालका में काम कराएगा तो भारतीय जनता पार्टी ने कराया और यही करा सकते हैं। विकास के मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़े थे कि आज तक आजादी के बाद से जो काम कर रहा है 2014 से, फिर भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री भाई मनोहर लाल जी के नेतृत्व में करवाया है, तो इन्हीं को लेकर के हम चले। और आज सभी लोगों ने बहुत, हमारे ये जो अपना चेयरमैन कृष्ण लामा जी, मैं कहूँगी पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा मतों से हमने जीतने का काम किया।